ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को अपनी मंगेतर कैरी साइमंडन से सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से न्यूज एजेंसी राइटर्स ने बताया कि मैरिज सेरेमनी वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल चर्च में हुई। हालांकि जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट के ऑफिस के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। शादी में सभी मेहमानों को एन वक्त पर इनवाइट किया गया। इस शादी की जानकारी सीनियर अफसरों को भी नहीं दी गई थी। 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही जॉनसन अपनी 33 साल की मंगेतर कैरी साइमंडन्स के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं। इससे पहले पिछले साल उन्होंने अपने और कैरी के रिश्तों का ऐलान किया था, साथ ही आने वाले बच्चे के बारे में बताया था। 2020 में उनके बेटे का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री जॉनसन की प्राइवेट लाइफ हमेशा से काफी उलझी रही है। उनका अब तक दो बार तलाक हो चुका है। उनकी पहली शादी 1987 में एलेग्रा मस्टिन ओवेन से हुई थी, लेकिन 1990 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद बचपन की दोस्त और वकील मैरिना व्हीलर से शादी की थी। दोनों के चार बच्चे हैं। सितंबर 2018 में दोनों अलग हो गए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में झूठ बोलने को लेकर उन्हें एक बार कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसी टीम से बर्खास्त भी कर दिया गया था।